जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है डीएमके एमपी टीआर बालो की तरफ से, उनका ये कहना है कि जो अलायंस पार्टीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि पहली ज्वाइंट पब्लिक रैली भोपाल में होगी अक्टूबर में, और ये मध्य प्रदेश में होने वाली है ज्वाइंट रैली, पहली ज्वाइंट रैली INDIA ब्लॉक की, क्योंकि अब कुछ ही देर में मध्य प्रदेश में भी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी जो लगातार बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय पर नहीं आ पाए, कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाए, लेकिन ज्वाइंट रैली को लेकर बताया जा रहा है कि बातचीत हुई और डिसाइड किया गया कि भोपाल में पहली रैली होगी। Go for seat sharing arrangements, discussions at various states, wherein the state assembly election is going to take place immediately, that those things will be given priority. Rally will be held at Bhopal on the first week of October. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The seat sharing, the coordination committee decided to start the process of determining seats sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। ज्वाइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है। रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। सीट्स दैट आर ऑलरेडी हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA or parties that are not part of either of those alliances. Now, while consensus is slowly being built over, speed bumps persist because seat sharing talks are yet to begin and there is no clarity on either convener or prime minister candidate, and state-wise formulas are yet to be thrashed out for assembly elections. So, ये जो पहली बैठक हुई है वहीं पर बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और ये सवाल पूछ रही है कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जा रही है, हमने कल देखा शाम को जो बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीरें आ रही थी पुष्प वर्षा से जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया गया था, ये एक रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास किया गया है दैट इट वाज हिस्टोरिक एंड अनप्रेसिडेंटेड ओइंग टू द सक्सेस ऑफ द G20 समिट। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है, ये उनकी समस्या है, हमें उस पर नहीं जानना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस अलायंस के एक नेता ये कहते कि इनका G20 है, ये देश का G20 था, हर भारतीय के लिए गर्व का पल था इंडिया अलायंस के लिए। तो पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था, ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से, कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया है।